मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को लगभग पता चल चुका होगा कि UPBSC नर्सिंग के जो एडमिट कार्ड है वो आपके डाउनलोड होना कल शाम से शुरू हो गए। कैसे डाउनलोड करना है, एग्जाम सेंटर पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, इस पर हम वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करना सीख जाओगे कैसे एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। लेकिन आपने थंबनेल को पहले ही देख लिया होगा कि आपको ड्रेस क्या पहन के जाने, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। यदि आप UPBSC नर्सिंग का पेपर देने के लिए जा रहे हो तो कौन सी ड्रेस आपको पहन के जाने, ड्रेस कोड कोई क्या है क्या, या और दूसरी बात एडमिट कार्ड जो है वो कैसा होना चाहिए, इस पर आप बहुत ही विशेष ध्यान देना। एडमिट कार्ड है वो आपका कैसा होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको UPBSC नर्सिंग, UP पैरामेडिकल, CP नेट, एम्स से संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे द्वारा। और साथ ही साथ यदि आप तैयारी कर रहे हो UPBSC नर्सिंग की तो शाम 6 बजे डेली इस चैनल पर लाइव क्लास चल रही है जिसमें हम आपको बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस टाइम सॉल्व करा रही हूँ। 40 क्वेश्चन डेली, 40 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। और GK क्वेश्चन भी आपको कई करा चुकी हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी करा चुकी हूँ, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, और बात करते हैं यहाँ पर कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो देखिए जब हमने एडमिट कार्ड पे जो आपके दिशा निर्देश लिखे हुए उसे हमने जब पढ़ा, और मैंने कल आपको बताई भी ये कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी रह गई थी उसमें, तो हम आपको बता देते हैं इसमें ड्रेस कोड क्या है। ड्रेस कोड आपका कोई भी नहीं है, आप सादा कपड़े पहन के जाएं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत चमक वाले कपड़े पहन के जाएं, वहाँ पार्टी चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा वहाँ पर। आप सादा कपड़े पहन के जाएं, ऐसा लगे आपको कि हाँ एक स्टूडेंट पेपर देने के लिए आया हुआ है। कोई ड्रेस कोड आपका नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या कोई ड्रेस कोड है, तो कोई भी ड्रेस कोड आपका नहीं है। आप सादा कपड़े पहन के जाएं कि स्टूडेंट की तरह पेपर देने के लिए वहां पर जाएं, ठीक है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड आपका कैसा होना चाहिए, तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका कलर्ड होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड टेक ए कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है वो आपका व्हाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी आपका वहां पर मान्य होगा। और दूसरी बात, वहां पर फोटो आपको लगा लेनी है, एक फोटो अपनी लगा लेना एडमिट कार्ड में उसमें दी हुई है जगह, और दूसरी फोटो लगवा अपने साथ लेके जाए। कम से कम 2-3 फोटो तो आप लगवा लेके ही जाए, ठीक है। बाई चांस कहीं खो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो एक फोटो उस पर लगा लें एडमिट कार्ड पे। कलर एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, और आपका ड्रेस कोड कोई नहीं है, आप सादा कपड़े पहन के जाएं, ठीक है। तो ये बात हमें बतानी थी, बाकी की जानकारी यदि और भी लेना चाहते हो और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो हम इस पर वीडियो बना चुकी हैं। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते फिर शाम 6 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।